स्पोर्ट्स के बारे जिन्हों असी मुक्सरन ई एम एफ आखते हैं। तुम सोच रहे हो शायद कोई फोर्स हैगी धक्का है यदि तारीफ मैं तुम्हें पहले नंबर से उर्दू च दस दिना जी परचे लिखनी है यदि तारीफ मैं तुम्हें पहले नंबर से उर्दू च दस दिना जी परचे लिखनी है फिर इन वजाहत कर देंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ ये वो एनर्जी हैगी ये वो एनर्जी है जो बंद सर्कट में यानी जुड़े हुए सर्कट में बैटरी मुहैया करती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है बेटा जब हम सर्कट को मुकम्मल करते हैं ना तारों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बंद सर्कट कहलाता है। ठीक है सलाम इसी तरह जब आप ऐसे तारों को आपस में उनका कनेक्शन खत्म कर देते हो तो वो खुला सर्किट कहलाता है। ये बंद यानी ऑन और ये खुला यानी ऑफ। तो जब सर्किट ऐसे बंद होता है बंद होने का मतलब है तारें जुड़ी हुई हैं तो बैटरी बेटे क्या करती है भला वो जो चार्ज होता है ना उसको एनर्जी देती है ताकि उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो जो चार्ज है वो तार में से या जो भी आपने बल्ब लगाया हुआ है या आपने कोई पंखा लगाया हुआ है या जो भी आपने रेजिस्टेंस लगाई हुई है उसमें से वो बहे। तो जितनी बैटरी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी मुहैया करती है ना वो उसकी ईएमएफ कहलाती है। तो ईएमएफ दरअसल एनर्जी है। ठीक है तो इसका कुलिया हम कैसे लिखेंगे कि ईएमएफ जो है ये बराबर होती है एनर्जी लेकिन इसको जो देनी है सारे चार्ज को नहीं यूनिट चार्ज को फिर इसलिए जितना भी चार्ज है उसके साथ तकसीम कर दो ताकि यूनिट चार्ज बन जाए। ठीक हो गया तो इसको अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं बड़े ही से इसको लिख लें ईएमएफ को तो ये बराबर है इसके डब्ल्यू हो गई एनर्जी और क्यू हो गया चार्ज। ठीक हो गया तो ईएमएफ दरअसल एनर्जी है जो बैटरी दे रही है किसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करने के लिए बंद सर्किट में से बहने के लिए। और यहां से अगर हम देखें तो इसका जो यूनिट है वो बेटे वोल्ट बनता है ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है थोड़ा सा ही फर्क है ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में। तो देखो बेटा यहां से इसका जो यूनिट है वो बनता है क्या बनता है वोल्ट बनता है। कैसे कि अगर बैटरी जो है एक कूलम चार्ज को बंद सर्किट में से बहने के लिए कितनी एनर्जी दे बेटे एक जॉल एनर्जी दे बढ़िया करे तो उसका ईएमएफ कितनी होगी एक वोल्ट होगी ईएमएफ कितनी होगी एक वोल्ट। ठीक है ना तो अब मुख्तलिफ मैं सर्किट बनाता हूं मसलन मैंने कल ये सर्किट बनाया था ये एक बल्ब है जो कि चल रहा है क्यों क्योंकि ये बैटरी के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो बड़ा होता है ये नेगेटिव टर्मिनल है ये कितने वोल्ट की बैटरी है मिसाल के तौर पे 6 वोल्ट की है। तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ये बैटरी जो है कि एक कूलम को चार्ज को सर्किट में से बहने के लिए कितनी एनर्जी दे रही है 6 जूल एनर्जी दे रही है तभी तो इसका ये कितने ईएमएफ कितनी है 6 वोल्ट है। मेरी बात समझे आप लोग या नहीं कि ये बैटरी जो है ये 6 वोल्ट की है मतलब इसका ईएमएफ 6 वोल्ट है। तो इसका क्या मतलब बनता है इसका मतलब यह बनता है कि यह बैटरी एक कूलम चार्ज को बंद सर्किट में से बहने के लिए कितनी एनर्जी दे रही है 6 जूल कितनी 6 जूल इसीलिए इसका जो ईएमएफ है वो 6 वोल्ट। तो उम्मीद है कि आपको ईएमएफ जो है उसके मतलब समझ लग गई होगी। शुक्रिया।